दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार जानकारी के साथ। जिन भाई का सोचना होता है कि अगर हम लघु उद्योग की शुरुआत करेंगे या कोई लघु उद्योग लगाएंगे तो लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो भाई मेरे आज की वीडियो को अंत तक देखो, आपकी ये मिथक या जो आपकी ये गलतफहमी है दूर होने वाली है। एक ऐसे जगह पर दोस्त हूँ जहाँ पर आपको काफ़ी कम कीमत में लघु उद्योग की शुरुआत हो जाती है, और वैसे लघु उद्योग की शुरुआत हो जाती है जिसको लोग सोचते हैं कि लाखों रुपया खर्च करेंगे तभी जा करके वो लघु उद्योग हम शुरू कर पाएंगे। तो कैसे बिजनेस की वो शुरुआत कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दोस्त आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारे साथ हैं, स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे अशरफ इंटरप्राइजेस में, दरभंगा वाले ऑफिस में। सर आप अपना नाम और यहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमारे भाई को बताइए। मेरी कंपनी का नाम अशरफ इंटरप्राइजेस है और ये मेरा ऑफिस दरभंगा वाला है जो एयरपोर्ट के पास है। दूसरा ऑफिस हमारा जो है दिल्ली में है और तीसरा ऑफिस बॉम्बे में है। तो सर आपने बताया बातचीत के क्रम में कि जो भाई जिनका सोचना होता है कि अगर हम लघु उद्योग की शुरुआत करेंगे तो लाख दो लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत है, तो आज की वीडियो में उनकी ये मिथक या उनकी जो गलतफहमी है दूर होने वाली है। तो और आपने ये भी बताया कि जो काम लोग सोचते हैं कि एक दो लाख में कम करेंगे शुरू करेंगे, कुछ हज़ार में आप शुरू करवा देंगे, तो ये कैसे, ये जादू कैसे आप कर पाएंगे या कैसे ये संभव है सर? देखिए ये कोई जादू नहीं है, बस सिंपल सा है कि कुछ लोग जो है लंबा सोच लेते हैं। मैं शॉर्टकट में बिल्कुल जो है तरीके से बिजनेस बताने वाला, वो भी मसाला का बिजनेस। और मसाला के बिजनेस में जो है ज़्यादातर लोगों को पता होता है, सुनते ही सुनको लगता है कि दो लाख इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आज जो हम बताएंगे दो लाख नहीं होगा आपका, हज़ारों रुपये, मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है, 20 में भी कर सकते हैं, मैं पूरा वीडियो में विस्तार में बताऊँगा। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो है मसाला के साथ साथ उसमें दो तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली 365 दिन चलने वाला होता है, जैसे घर में बर्तन धोने के लिए जूना होना आपने देखा होगा, ग्रीन पैड धुना होगा, दुकान में भी आप पता कर सकते हैं जाके भाई जूना और ग्रीन पैड क्या होता है, तो उस मशीन से वो भी पैकेजिंग हो जाएगा। तो मसाला का तो आप उद्योग कर ही रहे हैं, उसके साथ जूना और ग्रीन पैड भी कर सकते हैं, और हम आपको वीडियो में सारा डेमो करके भी दिखाएंगे, और उसका जो ग्रीन पैड और जूना का रॉ मटेरियल वो भी मेरे पास मिल जाएगा, और मसाले के जो पाउचेज है किस किस तरह का पाउच है सारा हम वीडियो में कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपने बताया सर कि मसाले के पाउचेज हैं, तो जो गांव में जो बिकता है 2 रुपया 4 रुपये का जीरा, काली मिर्च या लौंग वगैरह वगैरह, उसी के बिजनेस की बात कर रहे हैं क्या? देखिए गांव में जो 2-4 रुपये में आजकल स्टेपलर वाला बिक रहा है वो बहुत पुराना हो गया, उसमें बहुत कंपटीशन है, और आजकल जो है प्रीमियम क्वालिटी जैसे बड़े बड़े ब्रांड चलते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, हमारे पास 5 रुपये से लड़ी शुरू हो जाता है। और पहले हम वीडियो ही दिखाते हैं कि कैसे लड़ी पाउचेज होते हैं, और शॉर्टकट में लोगों को समझ में भी आ जाएगा, बाद में हम आगे बात करेंगे इस चीज़ों पर। जी बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले आप डेमो देख लीजिए और चीज़ों को पहले समझ लीजिए क्या ये कहना चाहते हैं और क्या ये करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर आगे की बात होती रहेगी। तो सर दिखाइए हमारे भाइयों को। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस टाइप का जैसे आपने मसाला देखा होगा कई जगह, जैसे मैं हैंगर में ये टंगा हुआ दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से मसाला वगैरह जो है मार्केट में टंगा हुआ देखा होगा या रैपर में देखा होगा पैक किया हुआ, तो इसको पैक करने के लिए क्या होता था कि बड़ी मशीन है, जैसे मैं पीछे दिखाना चाहूँगा इस तरीके की मशीन लगती थी। हाँ इसमें बहुत सारे मॉडल्स आते हैं क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करें, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ, इस तरह की मशीन लगती थी 2-3 लाख रुपये की, प्लस रैपर छपवाना पड़ता था, जैसे ये चाय पत्ती का रैपर है इस तरीके से आपको छपवाना पड़ता था, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर पाते थे। अब ये सब का झंझट बिल्कुल ख़त्म है, ना आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, ना किसी से लाइसेंस लेना है, ना किसी से परमिशन लेना है, ना बिजली का कनेक्शन अलग से लेना है। सिंपल करना क्या है, एक मशीन आप ये देखिए, इसका जो 18,000 से शुरू हो जाता है, ये देख सकते हैं, इसमें एक और मॉडल आ जाती है ये वाली, ठीक है 1,000-2,000 का ही फ़र्क रहता है, जब आप काउंटर पर आएंगे एक आ जाती है ये मशीन। ये दो मशीन आपको लग रही होगी काफ़ी महंगी है, तीसरी मशीन मैं एक और दिखाऊंगा एमआरपी डालने वाली, क्योंकि बड़ी मशीन भी लगाएंगे तो उसमें एमआरपी वाली लगती है, तो वो 20-22 हज़ार का, ये आपको 2600 तक की एमआरपी वाली आ जाती है। तो ये तीन मशीन हो गई आपकी, जिससे मसाला बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कंप्लीट सेटअप चाहिए होता है, जो कंपलसरी है, डेट डालना ज़रूरी है, वजन करने के लिए ज़रूरी है, पैकिंग के लिए ज़रूरी है। ये क्या है, सेमी ऑटोमेटिक हो गया, फुल्ली में तो नहीं आएगा आपका, सेमी में आएगा। सेमी में कैसे आएगा, इस तरीके से जो है, ये आप देखिए थोड़ा जूम करके दिखाना चाहेंगे आप लोग कि ये मदर मेड के नाम से है और इसके पीछे किसी कंपनी का नाम नहीं छपा हुआ है, ब्लैंक है सर, ब्लैंक है। तो आपको जो कोडिंग मशीन मैंने दिखाई उससे इस पे आप अपना नाम छाप लीजिए और यहाँ पे पैकिंग डेट जितना डालना है वो डाल लीजिए, और ये सिंगल साइड से खुला होता है। अच्छा यही माजरा है सर, क्योंकि ऐसे अभी इससे पहले दोस्त अगर लड़ी वाली आपको करनी होती है या करनी होती है तो इसके लिए रोल लेना होता था, प्लस FFS या प्यूनोमेटिक मशीन लेनी होती थी, उसके बाद फिर इसको छपवाना होता था, लेकिन ये सर ने बिल्कुल ही सिंपल कर दिया है, साइड सीलिंग है, साइड से आप इसमें माल डालिए और
सील कीजिए। तो सर इसमें जो माल डालेंगे तो एक्यूरेट वजन भी तो होना चाहिए सर ना। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि मैन्युअली आप किसी चीज़ से वजन कर करके दीवार के सहारे लड़ियों को लगा दीजिए और जब मशीन चलाइए उसके बाद लड़ी को पैक कर दीजिए, हम करके दिखाएंगे आपको डेमो। दूसरी है कि ये मशीन आ गई है वजन करने वाली। कैसे, जैसे इस पे देख रहे हैं ये 1 ग्राम से 100 ग्राम की मशीन है। अब मैं आपको एक बार चला के दिखाना चाहूँगा ये मशीन। यहाँ पर हमारे भाई देख पा रहे होंगे यहाँ जीरा है जी, तो यहाँ पर सर जीरा की आज पैकिंग होगी ना। हाँ जीरा, मैं जीरा पैक करके दिखा रहा हूँ एक लड़ी कि किस तरीके से ये दोनों मशीनें वर्क करती है। ये आपका हॉपर है और यहाँ दिखा दीजिए एक बार, यहाँ दिखा दीजिए एक बार। ये डिजिटल है सर। हाँ ये डिजिटल ग्राम सेट करने का, जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा। एक बटन है, इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ देखिए 7 लिख के आ रहा है, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये 7 ग्राम आ गया। इसमें आप 50 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 7.5 भी कर सकते हैं। इसमें हमारे रिक्वायरमेंट आपकी है, बड़ी मशीन आती है 500 ग्राम तक की, इसमें आती है फिर 1 किलो तक की, फिर 5 किलो तक की, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक की वजन करने वाली। छोटे छोटे पैकेट में करने में वजन बहुत तकलीफ होता है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो मशीन है 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का वजन कर सकती है ना जी। इसमें मैंने माल डाल दिया है और मैं माल इसमें डाल देता हूँ। पहले देखिए जीरा है, मैं जीरा का खुला हुआ डाल देता। आप इसमें 5 किलो तक माल भर सकते हैं और जो बड़ी लेंगे मशीन जैसे 1 किलो तक या 500 ग्राम, उसमें 15 किलो का रहता है, तो 15 किलो एक बार में माल आप हॉपर में डाल सकते हैं। इसमें अगर ये हॉपर आप 5 किलो का हॉपर है आपका ना, ये 5 किलो का, क्योंकि 100 ग्राम तक है। जैसे मैं देखिए पैकेट से खोल के जीरा इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि मशीन एग्जैक्ट काम क्या करती है। 150 ग्राम जीरा इसमें डाला गया है, जो कि लाइव आपको दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ सके कि भाई कि ये मशीन करती कैसे है, कैसे काम करती है। तो लाइव आपको बताया जाएगा और यहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जिस हिसाब से आपका पाउच होगा, जिस हिसाब से आपका पैकेट होगा, उस हिसाब से यहाँ पर अपना डिजिटल सेट कर लीजिए और उसी हिसाब से यहाँ पर माल गिरेगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल जो है, और सिंगल फेज पे चलता है, इन्वर्टर पे भी चल जाता है। मान लीजिए 4-5 घंटे चलाइएगा तो 1 यूनिट बिजली बिल आएगा, क्योंकि इसमें मोटर नहीं है, सेंसर और वाइब्रेटर है। कैसे काम करेगी सर वो बता दीजिए। यहाँ पे आप डिजिटल पैनल है, यहाँ पे थोड़ा सही से दिखाइएगा, स्टार्ट बटन यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए वजन होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये जैसे 7 ग्राम होगा रुक जाएगा। यहाँ पे जब तक हम पाउच नहीं लगाएंगे, ये जो देख रहे हैं ये जगह, जब तक मान लीजिए अब ये पाउच, ये सेंसर लगा हुआ है इसमें सर। जी जी जी, ये देखिए यहाँ पे जब तक हम ये पाउच हमारा एक सील साइड ओपन है, यहाँ लगाएंगे, देखिए इसमें जीरा 7 ग्राम भर गया, यानी कि यहाँ पर सेंसर लगा हुआ, बर्बाद नहीं होगा सामान। जी जी जी, यहाँ देखिए यहाँ आपका ये भी दिखाएगा कि कितना आपका जो पैकेट भरा अभी तक, कितना पैकेट भर गया, ये भी यहाँ पर दिखाएगा। अभी 4 पैकेट भरा जा चुका है और 4 यहाँ पर दिखा रहा है ना जी। सर ने बताया कि घंटे में 700 पैकेट फिल किया जा सकता है। शुरू में तो उतना जल्दी काम नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तो आसानी से आप कर पाइएगा। तो और यहाँ पर देख लीजिए लगभग यहाँ पर 8 पैकेट फिल हो चुका है यहाँ पर, और देख लीजिए कितनी आसानी से ये कर रहा है मशीन। तो बहुत ही सिंपल मशीन है, तो ये लास्ट है, चलिए हो गया यहाँ पर। अब बात होती है, ये तो फिलिंग हो गया, अब होगा सीलिंग, यानी कि कैसे ये सील होगा देख लीजिए आप। ये लड़ी वाली पैकिंग होने जा रही है, तो ये पाउच पैकिंग मशीन है। पाउच पैकिंग मशीन है, कितनी आसानी से ये पैक कर रही है मशीन, वो आप देख पा रहे होंगे लाइव वीडियो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा दोस्त, और जब पैकिंग हो जाती है तो मैं अपने हाथों में लेकर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पैकिंग हुई है, पैकिंग परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, वो भी आप देखेंगे वीडियो में। तो चलिए ये पैकिंग हो गया, कुछ सेकंड में मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में ये पूरा का पूरा पैकिंग कर दिया है, वो आप देख पा रहे होंगे। क्वालिटी वगैरह भी आप देख पाए होंगे, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग आया है इस पैकेट का, और देख लीजिए कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर जो यहाँ है सो जैसे गांव रूरल एरियाज में अगर आप देखते होंगे टंगा हुआ रहता है लड़ी, तो फाड़ने का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, आसानी से देख लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। वाह क्या बात है, सिंपल तरीका है, जैसे लोग फाड़ते हैं आराम से फट भी जा रहा है। तो इसी काम के लिए भाई मेरे आपको FFS या तो प्रीन्यूमेटिक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर FFS या प्रीन्यूमेटिक मशीन की ज़रूरत नहीं है। कुछ हज़ार में इस मशीन को अपने घर पर ले जा करके इस तरह के बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। अब कुछ और बातें हैं जो हम सर से जानने की कोशिश करूंगा मैं। ये हैंगर है, आप हैंगर चाहते तो हैंगर ले सकते हैं, या थैली आती है
आपको 150-250 रुपये किलो मिलती है, शायद 180 रुपये किलो मिलता है, उसमें आप 3-3 लड़ी को डाल के जो है सील करके और अपने नाम, हाँ अभी दिखाएंगे कि कैसे स्टिकर वाली मशीन भी है हमारे पास, वो भी दिखाएंगे कैसे अपना ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग का सवाल होता है कि हमें अपना ब्रांड छपवाना है, तो देखिए ब्रांड अभी तो पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा अभी बिना ब्रांड के ही चला लें, अभी जो ब्रांड मिल रहा है, जब आपके पास बजट हो जाएगा तो आप अपने नाम से छपवा लेना, क्योंकि पैसा तो कमा लें, क्योंकि नाम छपवाने में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, फिर ब्रांड का करवाना होगा तो आपको कुछ साल भर बाद आपका धंधा जम जाएगा, 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको ब्रांड करा के दे देंगे। शुरुआती में ब्रांड कराना बहुत महंगा पड़ जाता है, कम से कम 1-1 पाउच पे 70,000-80,000 रुपये, उतना खर्च करने से अच्छा है कि आप अभी जो है जैसे मैंने बताया 18,000 है, ठीक है, 20,500 की ये मशीन है और अपना MRP मशीन है, 40,000 में आपका मशीन आ जाएगा। और अगर चाहते हैं कि वज़न मैनुअली कर लें लेकिन सिर्फ पैकिंग मशीन ले लें तो वो भी संभव है, और रैपर भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, हैंगर भी मिल जाएगा, इस तरीके से जो है अपना प्रोडक्ट साख सकते हैं। अब हम आपको पाउच वगैरह दिखाएंगे और इससे एक और कौन सा प्रोडक्ट पैक होगा वो भी दिखाएंगे। आटा वगैरह का भी कोई डिमांड आता है सर कि आटा की पैकिंग इससे हो सकती है क्या? हाँ हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ आटा का पाउच है, जैसे सिंगल में कुछ लोग होता कि बड़ा पाउच सील होगा कि नहीं होगा, तो इसमें आटा भी भर के बस आपको कुछ नहीं करना होगा, इस तरीके से कन्वर्ट करके स्टैंड लगाना होगा, स्टैंड लगा के आप आटा भी पैक कर सकते हैं सेम मशीन में जो है, उसका कॉस्ट अलग आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि आटा भी पैकिंग किया जा सकता है, और सही में दोस्त छोटा पाउच हो या तो बड़ा पाउच हो आसानी से इस मशीन के माध्यम से आप पैकिंग कर सकते हैं। तो ये कोई मशीन है तो एक तरह के बिजनेस के लिए नहीं है दोस्त, कम से कम 100 तरह के बिजनेस को इस मशीन के माध्यम से आप कर सकते हो। और एक और सवाल है इस पर कि ये जो मशीन है बिजली से चलेगी तो कितनी बिजली की खपत होगी? बिजली खपत ज़्यादा नहीं है, बताया ना आपको कि 4-5 घंटे में एक यूनिट लेगा और ये घंटे का एक यूनिट लेगा बस। हाँ तो आपके मान के चलिए बिजली बिल ज़्यादा नहीं आने वाला है, कुछ पैसों का जो आपको प्रोडक्ट पे बिजली बिल जो है माइनर सी चीज़ें आएंगी जो है। दो मशीन के बारे में तो सर आपने बता दिया, एक और मशीन जो हमारे सामने यहाँ पर लगी हुई है सर, टेबल पर रखी हुई है, इस मशीन के बारे में सर बताइए, चूँकि डेट और जो क्वान्टिटी वगैरह या उसका जो रेट होता है वो भी लिखना पाउच पर जरूरी होता है सर। जी जी जी, मैं दिखाता हूँ एक बार। इसमें 3 तरह की मशीन चलती है, एक तो सबसे पहले ये स्टैम्प वाली मशीन चलती है, ये स्टैम्प टाइप का होता है और उसमें आजकल डिजिटल आ गया है जिसमें कार्ट्रिज लगता है इंक का, ये थोड़ी महंगी हो जाती है, आपका 15,000 से ऊपर बजट है तो आप ये जा सकते हैं, बाकी मैनुअल है 2600 का बजट है तो ये ले सकते हैं। और अगर इसमें क्या है कि पंचिंग टाइप का होता है, इंक से होता है, और ये हो गया स्टिकर वाली एक। अच्छा ये स्टिकर है सर? जी ये स्टिकर वाली हो गई आपकी। अभी हमारे भाई देख रहे हैं, जो अभी हमारे भाई देख रहे हैं, ये शायद मशीन आपकी ऐप से चलती है ना? ये ऐप से चलती है मोबाइल से, जैसे मैं चला के दिखाऊंगा एक बार एक प्रिंट आउट करके निकाल दिखाई देता हूँ, जैसे मेरे स्क्रीन पे एक बार मोबाइल के जो है पूरा दिखाइए, जैसे मैंने ऐप खोल लिया, इस ऐप में आप जैसे बनाना चाहते हैं जो आपका बारकोड वगैरह है, जो रेट है सब दे दीजिए, उसमें ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, क्यू आर कोड है, बारकोड, यहाँ तक के किसी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है वो भी प्रिंट कर देगा ये। हाँ बस प्रिंट कर देगा। यहाँ देखिए मैं इसे लगाऊंगा, ये देखिए इस तरीके से, अब ऐसे निकला। अब मान लीजिए आपको हैंगर पे चिपकाना है, हैंगर पे या प्लेन थैली पे चिपकाना है, प्लेन थैली पे, इवन मान लीजिए आपको पाउच पे भी पीछे चिपकाना है इस तरीके से। वाह ये हो गया आपका, आपके ब्रांड का हो गया। जी बिल्कुल। जैसे हैंगर पे नाम देखिएगा आपका कि भाई फलाना ने जो है ये वाला मदर मिट के नाम से सप्लाई किया है, तो आपको कॉल कर देगा जैसे माल खत्म होने वाला होगा, ठीक है। तो इस मशीन का ये बेनिफिट हो जाएगा कि हर पे अपना लेबल डाल दीजिए शुरू में, बाद में अपना नाम कराइए। नाम कराने में पहले भी बता देता, नाम के लिए आप लोग कॉल मत कीजिएगा कि अपना नाम से सस्ते में हो जाए, सस्ते में नहीं होता है, लगना ही लगना है। और वैसा भी नहीं है कि हमारी कंपनी का इस पर नाम छपा हुआ है, ठीक है, और ये कोई कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमने ही एक नाम सोच के अपने हिस्से ही छपवाया हुआ है, तो कोई इस पे क्लेम भी नहीं कर सकता। तो बिना डरे आप ये माल पैक करके बेच सकते हैं मसाले वगैरह। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए सर, तो इस मशीन के माध्यम से 100 से भी अधिक तरह के बिजनेस को लोग कर सकते हैं। हाँ बिजनेस 100 मीन्स ये नहीं है कि 100 बिजनेस, 100 प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। जी मीन्स कि जैसे कि आपने हल्दी मिर्ची का भी कर सकते हैं, 5 रुपये में जैसे हल्दी मिर्ची शुरू हो जाता है पाउच हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, आइए मैं पाउच वगैरह दिखाता हूँ एक बार, जैसे अपना देखिए हल्दी मिर्ची में बड़ा साइज का भी है, ठीक है, ये गरम मसाले का है पाउच, ठीक है। ये सब किलो से आता है सर? ये सब देखिए लड़ी वाले रेट के हिसाब से है, और सिंगल वाला जैसे ये पाउच आप देख रहे हैं सिंगल रखा हुआ है यहाँ पे, ये सब किलो के हिसाब से है। अच्छा, और ये सब फ्रेश का माल है, हमेशा मिलता रहेगा एक ही ब्रांड से, ये नहीं कि आज ब्रांड बंद हो गया, 6 महीने बाद बंद हो गया, साल भर बंद हो गया। ये पाउच की सर कीमत क्या रहती है? कीमत अप्रोक्सीमेट यूट्यूब में नहीं खोलूंगा क्योंकि ऊपर नीचे रेट होता रहता है। आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए या व्हाट्सएप पे कैटलॉग मंगाइए, कॉल कीजिए, आपको रेट बता दिया जाएगा। सूजी, सत्तू, आटा, बेसन सब मिलेगा लड़ी में। मैं आपको एक बार बता दूं कि मिनिमम अगर पाउच ऑर्डर करते हैं लड़ी में तो 400 किलो, और सिंगल में कम से कम करेंगे तो 10 किलो। मीन्स लड़ी में जैसे कि आप हल्दी मिर्ची धनिया
और लौंग इलायची चाह काली मिर्च, 100 लड़ी का बंडल होता है। बंडल मीन्स ऐसा बंडल होता है, रबर लगा होता है। ये 100 का है सर? 100 का है। कुछ लोग बोलेंगे 20 को भेज दो, 30 को भेज दो, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि इसके लिए फोर्स नहीं कीजिएगा। सेकंड चीज़, मैं इस मशीन से एक और बिजनेस बता रहा था ना आपको कि मसाला का तो हो गया, क्योंकि मसाला पे ही हम बात करने वाले थे, बस एक मिनट लूँगा। ये जो आपका बर्तन धोने वाला आइटम होता है ना, जैसे आप देखिए देखिए जूना पैक है, तो इसमें क्या है, इसके अंदर का जो जूना है, जैसे ये जूना है, ठीक है, ये जूना मेरे पास मिल जाएगा लूज में किलो के हिसाब से। स्टार्टिंग बता देता हूँ 170-180 रुपये किलो से हो जाता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है, स्टील लेते हैं या जीआई। उसके बाद ऐसा रैपर, ये आपको एक तरफ से, ये भी ओपन होता है एक तरफ से, साइड सीलिंग है ये वाला, ठीक है, जैसे तारा ब्रैड लिखा हुआ है, इसमें जूना डाल के आप 10 ग्राम 12 ग्राम 15 ग्राम ये सब भी 32-34 रुपये में तैयार हो जाता है। ये ग्रीन पैड सर? ये ग्रीन पैड है, ग्रीन पैड आप ले सकते हैं। इसको पैक करने के लिए इस तरीके का रैपर लगता है, ये भी साइड सील होगा। इसके अंदर का ग्रीन पैड और ऊपर का पाउच किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको जो है। और ये सबको जो बता रहा हूँ मैं, ये 32-34-40 तक में ही तैयार होगा, आराम से 60-65 रुपये बिकता है। आप ट्राई कर लेना, मार्केट में पूछ के भी आ जाना एक लड़ी का क्या रेट है, तब आना आप मेरे से खरीदना। ये सारी चीज़ें मशीन पर 1 साल की वारंटी देता हूँ, कुछ भी ख़राब होगा उसका पार्ट जो भी लगेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको चेंज करके दिया जाएगा। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मेजर इंक्लूड नहीं होते, आप कॉल कर लीजिएगा। सर बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली, लेकिन कुछ और जानकारी है जो मैं जानना चाहूँगा और हमारे भाई भी जानना चाहेंगे कि ये जो मशीन है, ये तीनों मशीन का जो यूनिट है, हमारे कहाँ कहाँ आप डिलीवर करवा सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि मैंने तो आउट ऑफ कंट्री भी दिया है। अब आप लोग को यकीन हो ना हो अलग सी बात है, बट हिंदुस्तान के लोग बहुत सारे बाहर देश में भी रहते हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो जितनी कीमत है उसका डबल खर्चा देके उन लोगों ने मंगवाया हुआ है। तो आप तो इंडिया में ही है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ज़्यादा नहीं, 500-700 आता है, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप मेरी कंपनी का जो मोबाइल नंबर है आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, पुराने से पुराने वीडियोज़ में सेम नंबर आएगा और आज की वीडियोज़ में भी यही नंबर आएगा, तो आपके साथ कोई गलत या फ्रॉड नहीं होगा। ऑनलाइन आप ऑर्डर बेफिक्र होकर मंगा सकते हैं आप जो है, और जो है वारंटी भी है, आपको बता ही दिया, ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू चला जाएगा, आपके नाम पे बिल बना देंगे और आपको माल वहाँ पहुँचेगा। आप अपना कैसे चलाना, वीडियो कॉल में भी समझ लिया, और सिंपल मशीन है, उतना कोई तामझाम नहीं रहता है। एक बिल्डिंग पे से फेंक दोगे तो टूटेगा नहीं, ऐसा पैकिंग होता है इसका, डब्बा में देख रहे हैं ऐसा कार्टून में बिल्कुल पैकिंग होता है ये जो है ना, तो बेफिक्र होकर आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली, थैंक यू। तो दोस्तों आपने सुना सर की सारी बातों को, और ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है पैसे कमाने का। किसी भी अब जिला में आप हो, बिहार के किसी भी ज़िले में हो, हर ज़िले में एक ना एक मसाले की मंडी होती है। जैसे मैं पटना में हूँ तो पटना में मारूफगंज है, वैसे ही दरभंगा है, दरभंगा में कहीं ना कहीं होगा, वहाँ पर थोक के भाव में अपना मसाला परचेज कर लीजिए और इस तरह के पाउच खरीद लीजिए, यहाँ से मशीन खरीद लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। 30-35% किसी हालत में आपको बचत हो सकती है, और इसके लिए 2-4-5 लाख की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो विशेष जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सर का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस भी रहेगा, आप यहाँ पर आकर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव डेमो देख सकते हैं। तो इस रिकॉर्ड भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा ग्रो माई यूट्यूब चैनल के साथ। ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।